एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो बहुत दिनों बाद स्ट्राइवर चैनल पे वीडियो आ रहा है, क्योंकि मैं इतना दिन से डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज पे काम कर रहा था। तो अगर आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग का सीरीज अभी तक चेकआउट नहीं किया, सो ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ। यस, अ लॉट ऑफ स्टफ। सो देयर इज अ लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर यू चेक इट आउट। सो आज का वीडियो किस चीज पे होने वाला है? सो आई गोना टॉक अबाउट कपल ऑफ थिंग्स टुडे। द फर्स्ट थिंग इज द TCS NQT एग्जाम दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द ईयर, एंड द सेकंड थिंग इज Work from home internship at Take You Forward. Yes, at Take You Forward. That is what today's video will be all about. So yeah, bina koi time waste kiye video ko shuru karte hain. Let's start with TCS and then hum log work from home internship ke baare mein baat karenge. TCS. Agar main bolu TCS is India's biggest recruiter in software engineering, I think main galat nahi hunga. Stats will back me off. बहुत आप लोग में से बहुत लोग शायद गूगल अमेजन जाना चाहते हैं, बट इफ यू बिलोंग टू अ टायर थ्री कॉलेज देन लाइक मेरे साथ भी हुआ था अपने टाइम पे, वी ऑलवेज नीड अ बैकअप व्हेन वी आर इन आवर फोर्थ ईयर। वी थिंक दैट ओके एक TCS डिजिटल का ऑफर या फिर TCS निंजा का ऑफर हो जाएगा, एक बैकअप रहेगा, सो वी कैन प्रिपेयर फुल फ्लेजडली फॉर अमेजन गूगल। या फिर अगर मैंने चार साल कोडिंग नहीं किया है एंड व्हेन आई एम इन माय फोर्थ ईयर, आई फील कि एक प्लेसमेंट लग जाए, एटलीस्ट घर वालों को मुंह दिखाने लायक रहूंगा, प्लेसमेंट लग जाए, उसके बाद शायद पढ़ लूँ मैं या फिर जॉब शुरू करूंगा, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दूं। तो कहीं ना कहीं अगर हम IIT NIT से नहीं है, कहीं ना कहीं हम में से बहुत लोग, आई थिंक हम में से मेजोरिटी लोगों का फर्स्ट टारगेट होता है कि लेट्स बैग अ जॉब एट TCS। इवन इफ यू आर फ्रॉम एन IIT NIT, आई थिंक बहुत लोगों का जॉब TCS डिजिटल में लगता है, जिसका पैकेज 7-8 LPA होता है। सो इट्स नॉट दैट पीपल डोंट वर्क एट TCS, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु ड्रीम ऑफ TCS एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट विद TCS। सो हाउ टू गेट अ जॉब एट TCS। दो तीन साल पहले तक, कोविड से पहले, TCS कैसे हायर करता था? TCS क्या करता था, कैंपस जाता था, इंटरव्यूज लेता था। बट ग्रेजुअली TCS अंडरस्टूड कि ओके वी हायर अ लॉट ऑफ पीपल, विजिटिंग एवरी कैंपस इज प्रैक्टिकली लाइक, धीरे धीरे वो आउट ऑफ रीच होता गया। दैट इज व्हेन TCS थॉट कि ओके लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कंडक्ट अ नेशनल लेवल हायरिंग टेस्ट, एंड देन दे केम अप विद दिस TCS NQT व्हिच इज TCS नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट एग्जामिनेशन। सो ये टेस्ट कब होता है आप सोच रहे होगे, ये टेस्ट साल में बहुत बार होता रहता है। सो यू जस्ट नीड टू कीप अ टैब कि कब कब होता है टेस्ट, में क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं। देयर आर कपल ऑफ जॉब रोल्स, वन इज द TCS निंजा, द अदर वन इज द TCS डिजिटल। सो मैंने एक पूरा आर्टिकल कंपाइल किया है जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा एंड कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं एंड क्या क्या क्वेश्चंस कोडिंग राउंड के लिए करने, ये भी मिल जाएगा। सो मैं आपको वाला शीट दिखाता हूँ। सो ये वाला जो शीट है, इस पर हम लोग पहले बात करेंगे अबाउट TCS NQT। नाउ एज आई सेड, TCS निंजा और TCS डिजिटल का रोल आपको मिल सकता है, एंड कितने कैंडिडेट्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 million कैंडिडेट्स इन अ ईयर अपियर करते हैं TCS NQT। दैट्स अ मैसिव मैसिव नंबर। नाउ एक काम करते हैं, सिलेबस को चेकआउट कर लेते हैं। सो इफ आई गो ओवर हियर, यू कैन सी दैट द सिलेबस, पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, तो ये होना पड़ेगा, लाइक आपको इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर TCS निंजा एंड TCS डिजिटल स्पेसिफिकली। परसेंटेज क्राइटेरिया, अलॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, यू हैव टू हैव 60% 10-12 UG, PG डिप्लोमा, कोई भी आप चीज़ कर रहे हो 60% मिनिमल आपका होना चाहिए परसेंटेज। बैकलॉग्स, यू कैन नॉट हैव मल्टीपल बैकलॉग्स, बट TCS इज लीनियंट इनफ टू अलाउ यू 1 backlog। एकेडमिक गैप, क्या आप 3-4 साल का गैप लेके बैठ सकते हो? नहीं, एट मैक्सिमम ऑफ 2 years ऑफ गैप इज अलाउड। वट इज इम्पॉर्टेंट नोट, अब TCS जो NQT एग्जाम होता है वो स्पेसिफिकली इनके सेंटर्स पे होता है, लाइक कोलकाता में तो TCS की बहुत बड़ी ऑफिस है, तो वहीं बुला लेते हैं एंड वहीं पूरा एग्जाम होता है। तो ये जो एग्जाम आप देते हो, तो ये कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। तो सेक्शंस क्या होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, प्रोग्रामिंग लॉजिक, कोडिंग 1 एंड कोडिंग 2, और इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने मिनट्स होते हैं। तो इनमें से दो इंपॉर्टेंट होती है, कोडिंग 1 एंड कोडिंग 2, जिसकी ज़्यादा वेटेज रहती है। एंड एक इंपॉर्टेंट नोट है, जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लाइक अगर आप गलत भी करो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। अगर आपने एक क्वेश्चन आंसर कर दिया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए,
आप ये नहीं कर सकते कि आप पीछे आके उस क्वेश्चन को वापस री अटेम्प्ट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल. स्किप नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव है नहीं, तो आप कुछ भी मार्क करो फिर आगे जाओ. रफ पेपर कैलकुलेटर स्क्रीन पे रहेगा. एंड द लास्ट थिंग इज जो भी क्वेश्चन है अगर एक बार टाइम अप हो गया सो इट्स ओवर, राइट. आप ये जो स्टफ्स है, ये जो चार चीज़ है, इसका सिलेबस मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है आप चेकआउट कर सकते हो इजीली. सो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है वो 1.5 लाख प्लस इंजीनियर्स हायर करती है एक साल में. एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज को क्रैक करने के लिए सिर्फ दो चीज़ की जरूरत होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड स्किल्स और एक होती है फाउंडेशन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोडिंग निंजास इस दो पार्ट को कवर करने के लिए एक टीसीएस एनकेटी प्रिपरेशन कोर्स के साथ आई है, जिसको बनाया है अंकुश सिंगला जो कि एक्स फेसबुक एंड एक्स अमेजन इंजीनियर है, और अरुण शर्मा जो कि बेस्ट सेलिंग ऑथर फॉर कैट एप्टीट्यूड है. एंड ये जो कोर्स है इस पे 500 प्लस पीपल एनरोल्ड है एंड 4.8 प्लस रेटिंग दी है 400 प्लस बच्चों ने. इसमें अराउंड 350 प्लस प्रॉब्लम्स है एंड 30 प्लस आवर्स ऑफ वीडियोस लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा. जो सबसे बेस्ट चीज़ इसकी है कि आपको 1:1 डाउट सपोर्ट इसमें मिल जाएगा, आप इजीली बात कर सकते हो टीएसए एंड आप अपना सारा डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो. सो देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट लिंक आउट एंड यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट इफ यू आर विलिंग टू टेक दिस कोर्स. सो ये जो चार चीज़ें ये तो बहुत लोग कर लेते हैं. जो चीज़ में प्रॉब्लम आता है वो है कोडिंग वन एंड कोडिंग टू. हाँ, ये आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बाइनरी सर्च नहीं पूछते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि चार साल आपने कोडिंग किया नहीं है. बहुत लोग ऐसे होंगे जो चार साल एकदम नहीं कोडिंग किए एंड फिर वो जब इसमें जाते हैं एंड सिंस 15 मिनट होता है तो काइंड ऑफ दे पैनिक अलॉट. एंड 15 मिनट लाइक वो क्वेश्चन शायद वो कर ले अगर घर बैठे, बट 15 मिनट में वो पैनिक कर जाते हैं एंड ऑनलाइन कंपाइलर देखते हैं कैसे करना है. इट्स वेरी न्यू टू देम, द ऑनलाइन एनवायरमेंट इज न्यू टू देम, तो पैनिक करते हैं, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन. सो हमने क्या किया है, ये जो एरेज है नंबर्स है, नंबर सिस्टम सॉर्टिंग स्ट्रिंग, ये 5 टॉपिक है. जनरली इसी टॉपिक से ये लोग पूछते हैं एंड जो जो कॉमन क्वेश्चंस लास्ट कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं वी हैव कंबाइंड देम एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू डू बिफोर गोइंग टू टीसीएस एनक्यूटी. एंड ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये सारे एरेज पे क्वेश्चंस है, सारे कर सकते हो. नंबर्स पे क्वेश्चंस है, नंबर सिस्टम पे, सॉर्टिंग पे, स्ट्रिंग पे, एंड हर एक का डिटेल्ड आर्टिकल है. वीडियो की जरूरत नहीं है, आई बिलीव अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो, आर्टिकल हमने बहुत ही माइन्यूटली इमेजेस के साथ लिखा है एंड C++ जावा कोड दोनों रनिंग दिया है सो दैट आपको इजीली समझ में आए. एंड काफ़ी मैंने ट्राई किया कि UI बहुत ही क्लीन रहे सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में. सो आई मेड श्योर ऑल द आर्टिकल्स आर रिटन, कुछ कुछ एक दो मिसिंग है, आई विल मेक श्योर दे आर एडेड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर यू डू ऑल द प्रॉब्लम्स. अगर आपको कोडिंग नहीं भी आता है, लाइक कुछ भी नहीं आता है, जस्ट मेक श्योर यू डू दीज प्रॉब्लम्स. कोडिंग का बेसिक आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट द TCS NQT शीट. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज मेक श्योर चेक इट आउट एंड डू ऑल द प्रॉब्लम्स बिफोर गोइंग टू द TCS NQT एग्जाम. नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि श्रेवर TCS निंजा तो अराउंड 3 लाख का पैकेज देती है, TCS डिजिटल तो आपको देती है यार 7 लाख का पैकेज, तो कैसे मिलेगा? तो आप जब TCS NQT दोगे, अगर आप उस पर अच्छा परफॉर्म करते हो तो दे विल ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट यू एंड आपको फर्दर राउंड्स के लिए बुलाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट गिव द ये वाला राउंड अच्छे से देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि TCS डिजिटल के लिए अलग एग्जाम होता है, यही वाला दो, अच्छा परफॉर्म करोगे तो नेक्स्ट स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है. सो दैट वॉज मोर लेस अबाउट TCS. लेट्स टॉक अबाउट द वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. आपने शायद ये वाला वीडियो देखा होगा जहां मैंने बोला था कि हाउ डिड आई बॉट माय मैकबुक एयर इन माय कॉलेज एंड आई आल्सो बॉट एन एक्टिवा. सो पता है कैसे लिया था? सिर्फ आर्टिकल्स लिख के. लाइक आई रोट सो मेनी आर्टिकल्स एट GFG एंड आई अर्न सो मच कि आई वाज एबल टू बाय एन एक्टिवा ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज एंड फिर मैंने मैकबुक भी खरीदा था. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी वेयर यू आर लाइक ठीक है यू हैव अ लॉट ऑफ DSS स्किल्स एंड यू वॉन्ट टू बेसिकली डेवलप अ पर्टिकुलर लाइक क्योंकि इंटरव्यूज में एक्सप्लेन तो करना है, तो अगर आप उस चीज़ को लिखोगे लाइक इफ़ यू टेंड टू राइट आर्टिकल्स जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है. सो आई हाईली रिकमेंड कि इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस. सो देर इज अप्रॉक्सिमेटली 50 प्लस ओपनिंग्स, आई थिंक 20 प्लस इंटर्न्स काम कर रहे हैं. सो वी हैव अराउंड 30 प्लस ओपनिंग्स लेफ्ट. सो इफ यू आर लुकिंग टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी वर्क विद अस, वर्क विद मी एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, यू कैन definitely join in with us. What are the criteria? The criteria is very simple. What you need to do is you just need to go to this available topic
list where you will find a bunch of available topics. Like we have added a bunch of available topics. आपको जिस पे भी लिखना है आप लिखो, and just make sure you follow this sample document. Like sample document में format दिया हुआ है, उसको follow कर लेना. एक बार लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, इस पे ईमेल कर देना उस डॉक्यूमेंट को. वी विल मेक श्योर दैट अंडर 7 days योर आर्टिकल इज पब्लिश्ड. एक बार आपने 3 आर्टिकल सबमिट कर दिया, यू कैन राइट टू अस. वी विल बी ऑफरिंग यू एन पेड इंटर्नशिप. सो स्टाइपेंड तो मिलेगा ही, उसके साथ आपको हमारी टीम के साथ काम करने मिलेगा. यू ऑल्सो गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद अस एंड प्रॉब्ली बिल्ड अ रिलेशनशिप विद मी विद द टीम. एंड या हु नोस, दुनिया बहुत छोटी है, शायद कल को अगर कहीं भी जरूरत पड़े विल ऑलवेज बी स्टैंडिंग फॉर यू इफ यू क्रिएट दैट रिलेशनशिप विद अस. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स. लाइक मैं कोई भी अनपेड काम नहीं करवा रहा हूँ, हम लोग प्रॉपर पे करने वाले हैं इस चीज़ का. हाँ, आई विल नॉट बी पेइंग लाइक सुपर हाई, 1-2 लाख रुपए नहीं देने वाला हूँ. बट या जो भी वट एवर आई कैन पे फ्रॉम माई पॉकेट आई विल डेफिनेटली पे. एंड द मेन थिंग इज आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस कम्युनिटी. सो यप, इफ यू आर समवन जिसको मन है कंट्रीब्यूट करने का, आई बी लीविंग द लिंक आउट. प्लीज मेक श्योर यू कंट्रीब्यूट टू अस एंड ज्वाइन अस. सो टी सी एस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप के बारे में बता दिया. आई थिंक यही था इस वीडियो के लिए. एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, एक वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में एक चीज़ यार कर देना, ये रिक्वेस्ट है. बताना वेबसाइट कैसा लगा. इफ यू हैव एनी सजेशंस और इम्प्रूवमेंट्स प्लीज डू कमेंट. लाइक आई विल बी रीडिंग द कमेंट. सो प्लीज मेक श्योर यू ड्रॉप इन अ कमेंट हाउ डिड यू लाइक द वेबसाइट. एटलीस्ट अगर कोई सजेशंस नहीं है, बताना वेबसाइट कैसा लगा कमेंट्स में, ठीक है. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अस. एंड इफ यू हैवन चेकड आउट आवर अदर चैनल दैट गोज बाय द नेम टेक यू फॉरवर्ड, डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब टू दैट एज वेल, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग आउट अ लॉट ऑफ कंटेंट ओवर देयर व्हिच इज रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स. सो या विद दिस लेट्स रैप अप दिस वीडियो एंड मीट इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर. Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden.